ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा हूँ। जीवन में बहुत बहुत लोग उपाय करके भी निराश होते हैं। न जाने इस जीवन में आदमी भाग्य को चमकाने के लिए, किस्मत को बदलने के लिए क्या क्या उपाय आदमी करता है, फिर भी सफल नहीं आदमी बन पाता। अगर आप चारों तरफ से निराश हो, कोई उपाय साथ नहीं देता हो, भाग्य आपका सो गया हो, किस्मत साथ नहीं देता हो, कोई कार्य आपका नहीं बनता हो, आप हो परेशान, तो इस उपाय को करें। बिल्कुल सहज और आसान उपाय है मित्रों। तो मित्रों, मंदिरों पर सीढ़ी होती है, गुरुद्वारे पर सीढ़ी होती है, चर्च पर भी सीढ़ी होती है और मस्जिदों पर भी सीढ़ी होती है। तो अब आप अपने धर्म के अनुसार चुनाव करें कि हमें कौन सी सीढ़ियां चाहिए। तो मित्रों, केवल सीढ़ियों पर बैठकर इन उपाय को कर दें, भाग चमचमा जाएगा। जितनी परेशानियां थी सब दूर भाग जाएगी। तो साथियों, यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना होगा, यानी बृहस्पतिवार। जब भी आप वहां जाते हैं, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो सभी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। तो उस चढ़ने वाले सीढ़ियों पर आप बैठकर मौन होकर श्रद्धा और विश्वास से, आपको कुछ मांगना नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकरी व्यापार कुछ नहीं मांगना है। सिर्फ वहां पर आपको प्रभु से क्षमा मांगना है। कि हम जो भी जाने अनजाने में हमसे भूल हुई हो या हो गई है, तो आप इसे क्षमा करें और हमारे किस्मत को आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, यह दो तरह से उपाय को करना है। तो पहला बार भगवान को ध्यान करें, उन सीढ़ियों पर किनारे कहीं बैठकर, और अपने घर के कुल देवी देवता और प्रभु का स्मरण करें कि जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे हो गई है उसे क्षमा करें और हमारे भाग्य के रास्ते को खुला करें। और फिर वहीं बैठे बैठे अपने घर के पितरों को याद करें और यही बात कहें कि हमें जानकारी न होने के कारण जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई है या हो रही है, उसे आप
क्षमा करें, तो यह अपने घर के पितरों से क्षमा मांगना है। तो मित्रों, इस तरह से हर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को जाकर मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर इसका विनती करना है। और आपको धन दौलत कुछ नहीं मांगना है, केवल अपने किए हुए का गलती का क्षमा मांगना है। अब आप देखेंगे, जब आपका 11 बृहस्पतिवार यह प्रयोग करते हुए हो जाएगा तो यह चमत्कारी उपाय है। मित्रों, इस उपाय से आपके सोए हुए भाग, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और बिना मांगे हुए धन दौलत आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। रुपये पैसे आने के चारों तरफ के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा यह उपाय है मित्रों, यह आसान उपाय नहीं है, करने में आसान है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। तो मित्रों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जो घर से दुख, संकट, मुसीबत जाने का नाम नहीं लेता था, वही वो इस उपाय से वह छू मंतर हो जाए। तो मित्रों, आप इस उपाय को करके अपने सभी जीवन के बंद रास्ते को खोल सकते हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।